अब हुई है, ये मैंने बंद कर दी। देखिए आपका कल चैप्टर 13 जिसका नाम कर्वेचर है, ये सुन दिया था। स्टार्टिंग का प्रोसीजर आपको समझा दिया गया था, क्या फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म में, क्या फॉर्मूला है इंडिशन फॉर्म में, दो फॉर्मों की चर्चा हुई थी, है ना, कार्टेशियन और इंटेंशन। तो कार्टेशियन फॉर्म के साल हो चुके थे, बस 2-3 दे रखे थे। कार्टेशियन चल रही है आप। कार्टेशियन फॉर्म में एक सवाल दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 6, वो सवाल हम यहाँ तक कर चुके थे, टाइम खत्म हो गया था यहाँ के बाद में। इस सवाल को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। बाई वन हमने निकाल लिया है अपने पॉइंट पर, जो भी पॉइंट दिया हुआ था। अब हम बाई टू निकाल रहे थे, और बाई टू पॉइंट हमारा ए साइन थीटा बी कॉस थीटा था, वो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा था शायद, है ना। तो वो पॉइंट हमने अपने बाई टू में, बाई टू ये रहा सेकंड डेरिवेटिव, इसमें एक्स के स्थान पर एक्स का मान, बाई के स्थान पर बाई का मान रखा, और इसको भी सरल कर दिया। तो मैं अगले सवाल से समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं इस चैप्टर की पहले कल की वीडियो दूंगा, उसे पढ़ूंगा। तो देख देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन वगैरह आ सकता है क्या इसमें, तो हम सॉल्व करें। पहले इसको देखो, ए की पावर कितनी है, -1/3। ए बाई टू चल रहा है, तो ए की पावर जब इसको स्क्वायर किया -1/3, और यहाँ भी ए की पावर -1/3। तो मेरे बच्चों, ए की पावर -1/3 हमने ले लिया कॉमन। अब देखो ये क्या बचा, ये है साइन थीटा, और थोड़ा ध्यान से देखो, ये कॉस की हद -2 थीटा, इसको बटे में उड़ा लिया, तो बटे में आके ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है मेरे भाई बहन, साइन इनवर्स, इसको कर दिया 1/(sin θ)। और जो सौ के बटे में है उसको देख लेते हैं, वो क्या है, 3a/(2/3) कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में भी क्या, a। और देखिए ये जो भाग हो -3 से प्लस में कर ले, तो इसको नीचे उतार देंगे। पहले इसको सरल करो, एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे जो इसका एलसीएम है उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये एक ऊपर बन जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3a/(2/3) कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, और इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अरे एलसीएम का आंसर नहीं लगा सकता है। और ये ए भी हाँ -1/3 नीचे उतर आएगी, और नीचे उतर के आने के बाद किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ये हाँ देखो भी। अब देखो जरा, ये जो वैल्यू है ये 1 है, साइन उसका थीटा प्लस को उसका थीटा 1, और इस धातु को जब एंड करेंगे तो ये ए ही रह जाएगा, और ये देखिए 1/3 और 2/3, 3/3 मतलब 1, तो 3 है। और ये बच्चों कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू इतना हो गया। अब अगर हम चाहें इसको, तो 1/cos4 को आप लिख सकते हो sec4 थीटा, और 1/sin को लिख सकते हो cosec थीटा, और बटे 3, या इसको आगे रहने दे रहा हूँ, और जैसी जरूरत होगी अब यूज करेंगे। तो ये बाई टू का मान हो गया, और ये बच्चों बाई वन का मान हो गया। अब ये मान आपको कहाँ उठाकर रखने, फॉर्मूला में रखने हैं, और फॉर्मूला क्या होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता दर्जा क्या है, नमस्ते, फॉर्मूला जो कल नहीं आए हो वो सुने, कार्टेशियन फॉर्म फॉर्मूला है 1 + y1 की घात, या तो बाई वाली घात 2 लिख दो, या डी वाई बटे डी एक्स की होल घात 2, और इस टोटल की पावर क्या, 3 है, और नीचे है 1/(y1)। तो अब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला में बाई वन की जरूरत पड़ेगी, ये रहा बाई वन, बाई टू जरूरत पड़ेगी, ये रहा बाई टू, बाकी एक्स्ट्रा चीज हम जब कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कहाँ है, ये तो हमारा फिलहाल एक्स्ट्रा में है। देखो बच्चों, अब आप आवाज नहीं,
तो लो इज इक्वल टू वन प्लस बाई वन का है ये फॉर्मूला में स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो टेन स्क्वायर और होल पावर क्या है तीन और टेन और बटे अरे बाई टू। सुबह सुबह दिमाग को ऑफ मत करो मेरे को, कहा है बाई टू ये वन अपॉन थ्री सेक की पावर चार थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए बच्चों वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आप लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा और होल पावर कितना तीन बटे दो और ये बटे तीन जो ऊपर पहुंचा दे फिर ये सेक की पावर चार थीटा इंटू कोसेक थीटा थ्री ए। देखो घात की घात में गुणा करूंगा दो से दो कटेगा सेक की घात तीन थीटा और बटे सेक की घात चार थीटा इंटू कोसेक थीटा। आप एक बार बताओ ऊपर तीन घात नीचे चार घात तो नीचे एक घात बचेगी नहीं सेक थीटा और ये कोसेक थीटा और इस सब को नीचे से मैं रफ कर दूं क्योंकि सवाल हमारा खत्म होने वाला है। और देखिए वन बटे को क्या लिखते हैं कॉस थ्री ए कॉस थीटा और वन बटे कोसेक को क्या लिखते हैं आप साइन थीटा। आंसर जरा चेक करो या तो यही है और या देखो आंसर की कोई गारंटी ना है किस किताब में कहा हो मैं अगर प्रूफ करवाया तो वो ही लिखेंगे आंसर गारंटी क्यों ना अगर मैं अपनी किताब लिखूं तो मेरे दिमाग में एक शरारत और आ रही है दो से गुणा दो से भाग कर दूं तो दो साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा तो ये क्या हो गया साइन टू थीटा। तो अब मैं इसको लिखूंगा आंसर तो फिर बच्चे कहेंगे ये गलत है ना ये गलत है। बस आपको अपना प्रोसीजर चेक करना है जहां तक आप कर सकते हैं कैलकुलेशन वहां तक कर दीजिए ठीक और जब आपको ये लगने लगे तो बस यहाँ छोड़ देना चाहिए वहां छोड़ दो सारे को। लेकिन अगर प्रूफ करवाया है तो किसी भी तरीके से कुछ भी करें जो करवाया वही प्रूफ आज का ठंड लग जाए दीजिए आकाश है आज का परेशान है रहे हैं आज से ही पहचान ले मेरे तो आप जैसे विकास कहा है कपड़ा फोटो खींच लो इसको पूरा कर लो सवाल को अगला का भी बताएंगे। पेज नंबर वन आज का आवाज नहीं जल्दी खींच लो ना खींच रहा है कोई फोटो मैं कर दूंगा फिर दीप सखा ये वाला फॉर्मूला है इसका मेन है ना जो सवाल अब निकलेंगे इससे निकलेंगे डिटेल में कल करवा चुका हूँ वीडियो में तो मैं देख लूंगा खिंच गया ये सवाल कल का अधूरा था जो मैंने कर दिया था पूरा। चलिए आवाज बंद कीजिए आप इम्पोर्टेंट सवाल आ रहे हैं अब अगर यहाँ तक आया कोई सवाल तो शॉर्ट में आएगा लॉन्ग में आएगा तो या तो छठे में से आएगा छठा आएगा या जो मैं करवाऊंगा उसमें से और या फिर आपकी एक एग्जाम्पल दो थे जो मोस्ट करके लगवाएंगे उसमें से आना जरूर है इसमें से एक सवाल आएगा लॉन्ग में कोशिश ये रहती है कि इसमें से लॉन्ग में आए सवाल। बच्चों सवाल नंबर देखना सात आठ नौ तीनों इम्पोर्टेंट है सात सवाल की तो मैं बस हिंट देकर छोड़ रहा हूँ और आठ नौ को मैं कर रहा हूँ सात में क्या है जरा थोड़ा सा पढ़िए मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुनिए इन द इलिप्स इलिप्स दे रखा हूँ सो दैट सिद्ध करना है द रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है एट एन एंड एट एन एंड एंड कहते हैं सिरे को है ना एक सिरे पर और मेजर एक्सिस के एक सिरे पर इज इक्वल टू
दस सेमी लेटर सेक्टम सेमी लेटर सेक्टम के बराबर है। तो जरा थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए, ये सब इलिप्स का जो चित्र बनता है वो आपके हाथ में है। ए को बड़ा मान लो बी से या ए को बी से छोटा मान लो, मैंने ए को बी से बड़ा माना है। और अगर ए को बी से बड़ा माना है बच्चों तो जो मेजर एक्सिस होगी वो बाई एक्स पर होगी, और अगर मैं ए को बड़ा मानूंगा तो मेजर एक्सिस एक्स एक्स होगी, मतलब बड़ा एक्स एक्स पे और छोटा बाई एक्स। तो मैंने ए बड़ा माना बी से, तो ये एक्स एक्स पे इतने बड़े निर्णय मान रहा हूँ और इससे छोटे बाई एक्स पर मान रहा हूँ, तो आपका जो इलिप्स होगा भाई इस रूप का आएगा लगभग, है ना। एग्जैक्ट नहीं बनाया मैंने, नाप कर बिल्कुल अंदाज से बनाया है, ये आपका इलिप्स हो गया। अब बड़ा अक्ष कौन सा दिखाई दे रहा है, तो मैं एक्स अक्ष से बड़ा अक्ष है, तो इसका शीर्ष क्या हो गया एंड, ये दूसरे है एक ए कॉमा जीरो हो गया और एक माइनस जीरो, और अगर मेजर की जगह माइनर की कह दे सवाल में तो माइनर एक्स सी ए, इसका निर्देशांक जीरो कॉमा थ्री, जिसको मैं बता रहा हूँ जीरो कॉमा थ्री। तो जब ए बड़ा है बी से इलिप्स में तो मेजर एक्सिस के शीर्ष होते हैं ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, और माइनर एक्सिस होते हैं जीरो कॉमा बी और जीरो कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो हमसे क्या कहा है, मेजर एक्सिस के एक सिरे पर, ये नहीं कहा किस सिरे पर, एक कहा है बस। तो आप इसको ले लें या इसको, तो एक का पॉइंट की बात की गई तो पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका ए कॉमा जीरो, वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, लिखोगे वन एंड एक सिरा किसका ऑफ मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस किसका इलिप्स का, इलिप्स के मेजर एक्सिस का एक सिरा एज ए, ए क्या मानू मैं ए कॉमा जीरो। और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपके पास कितनी चीज होनी चाहिए, एक तो कर्व होना चाहिए ये रहा कर्व, दूसरा बिंदु होना चाहिए ये रहा बिंदु, बस फॉर्मूला कर देना, ठीक है। डी वाई डी एक्स निकालना, दोबारा अवकलन करना, उस डी वाई डी एक्स में एक बार ये अवकलन रख देना, ये बिंदु रख देना, पहला पर आ जाएगा बाई वन का मान, दोबारा अवकलन में इसको रख देना तो बाई टू आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना। अब इसमें आंसर भी बता दिया, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हाफ लेटर स्पेक्ट्रम, लेटर स्पेक्ट्रम क्या होता है नाभिलंब, अब नाभिलंब भूल गए हो गए, नाभिलंब पूरे पैराबोला का होता है। नाभिलंब पहले सुनो होता क्या है, नाभिलंब एक ऐसी जीवा होती है जो नाभि से होकर जाती है, इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूँ फोकी या फोकल, है ना, या फोकस पॉइंट किसी भी नाम से पुकार सकते हैं आप, तो जो फोकल पॉइंट से उगड़ जाता है, हिंदी वाले सुने जो नाभि से उगड़ जाता है, साथ में उसमें एक शब्द और जुड़ा हुआ लंब, इस लंब का मतलब क्या है, जो अक्ष पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसकी फोकल, देखो बस मैं कर नहीं रहा हूँ सवाल को, समझा बुझा रहा हूँ, एस ये फोकल पॉइंट, और इलिप्स की फोकल पॉइंट ए कॉमा जीरो होती है प्लस दशा में और माइनस ए कॉमा जीरो होती है माइनस दशा में, जब हमने पॉइंट ए लिया है तो हम ए कॉमा जीरो लेंगे, पॉइंट अगर ए लेंगे तो माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक। तो जो लेटर सेक्टम है वो ये है, नाभि से ऊपर चला गया और अक्ष पर 90 डिग्री एंगल डाल दिया, और इस टोटल की जो लंबाई होती है इसको मैं क्या मानू सी, इसको सी डैश मानू, तो सी सी डैश जो होती है वो होती है टू बी स्क्वायर अपॉन ए टोटल, लेकिन आपसे टोटल के बराबर नहीं कहा, आपसे कहा हाफ के बराबर, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो बच्चों बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा, तो रो कितनी आएगी इसमें बी स्क्वायर अपॉन ए, ये सवाल आपको स्वयं करना है, ठीक है। भूल जाइए क्या लैंग्वेज है, बस ये ध्यान रखो कि कर्व का इक्वेशन इतना है और बिंदु इतना दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ज्ञात, समझ में आ गया। अब जो मेन सवाल है ये भी इम्पोर्टेंट है सवाल बच्चों, पर मैं कठिन सवाल करवाने जा रहा हूँ, ये आसान सवाल है, क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर गेमा आठवा क्या दिया है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए द इलिप्स इतने, इस इलिप्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इतना है,
जहां रो विंग द परपेंडिकुलर, रो क्या है लंब है, फ्रॉम कहां से सेंटर से, और सेंटर से अपॉन द टेंजेंट, टेंजेंट करो, टेंजेंट किस पर एक्स कोमा वाई, मतलब ध्यान से सुनना कि इस इलिप्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी है, ये दिखाइए, जहां पी के बारे में बता दिया परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहां से सेंटर से, सेंटर क्या है इस इलिप्स का 0.0, इस सेंटर से किस पर डालेंगे लंब की लंबाई है टेंजेंट पर, और टेंजेंट किस पर आ रहा है एक्स कोमा वाई, ठीक है। और देखना टेंजेंट में आपको ये जो भी दो सवाल करवा चुका हूँ टेंजेंट वाले चैप्टर में, पहले एक्सरसाइज का पहले सवाल का पहला पार्ट, लेकिन मैं फिर भी यह सवाल करवा दूंगा, ठीक है, नहीं ये कहूँ सर जी ज्यादा तेज चल रहे हैं। तो लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स या कर्व लिख दो बच्चों, और इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 8। और आपको क्या कहा है इसने, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी सिद्ध करनी है, और किस पर करनी है इस बिंदु पर करनी है x कोमा वाई पर, कोई और बिंदु नहीं दिया एक्स्ट्रा में, बस बिंदु x कोमा वाई दिया है। देखो समीकरण नंबर 1 डाल लो, और जब समीकरण 1 डालोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है, तो प्रोसीजर पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है 1 + y1 की घात 2 / 3 / y2, जहां y1 dy/dx, y2 d2/y/dx। तो जब प्रोसीजर पता है तो आपको ये पता होना चाहिए मैं dy/dx निकाल रहा हूं, अब तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो 2x / a² इसका अवकलन करें 2y/b² और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। बहन दीप से का अवकलन आता है या नहीं? आता है, ठीक। अगर अवकलन नहीं आता होता तो हमें परेशानी हो जाती है पढ़ाने में, क्योंकि तो टाइम थोड़ा कम है, ये इधर पहुंच गया ट्रांसफर करके माइनस में 2x/a² एस टू से या टू कैंसिल हो गया आपका, तो डी वाई बटे डी एक्स जो है आपका नमस्ते, इसको इधर भेजोगे तो माइनस एक्स और बटे वाई और ये बी स्क्वायर बटे एच, हमें कोई स्पेशल पॉइंट तो नहीं दिया है, अगर दिया होता तो उसमें रख देते, अब नहीं दिया तो नहीं रखना है, यही हमारा वाई वन का मान है, अगर बिंदु दे रखा होता तो उसे रख देते, तो ये भी हमारा वाई वन है। तो आप देखो दोबारा अवकलन करो, दोबारा भी कर देना अवकलन, सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है d²y/dx² - b²/a² बाहर, हर का वर्ग कर दे हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर अर्थात हर जो भी जो लिखते हैं अंश, अंश क्या है न्यूमरेटर एक्स, और एक्स का एक्स रेशियो अवकलन ए माइनस एक्स, और वाई का मेरे भाई बहन डी वाई बटे माइनस डी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई अगर वाई माइनस एक्स, और डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू उसमें रखोगे तो माइनस एक्स बटे वाई और बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और बटे में वाई स्क्वायर, जब ये पूरा भिन्न हो गया तो इसको भी पूरा भिन्न करके मैंने एक से भाग कर दिया, माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एलसीएम लिया अब हमने, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर वाई माइनस, अच्छा ये वाई भी तो बटे में इसकी भी बड़ा हो गई वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस और ये एक्स स्क्वायर और कितना बी स्क्वायर, और बटे में एलसीएम क्या आई ए स्क्वायर इंटू वाई, इसकी इसके साथ बड़ा होगी ए स्क्वायर इंटू वाई की घात 3 और एक की ऊपर पहुंचा थी, ऊपर पहुंचा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से ये माइनस बी स्क्वायर बटे ए की घात कितना 4, दो ये रहा और ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और बटे कितना ए स्क्वायर वाई घात 3 डी स्क्वायर वाई स्क्वायर वो तो 4 लिख लिया ना, कहा अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं ए में बाहर लिख चुका हूँ, तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये भी इतना ही और ये भी। अब आपको कोई बिंदु तो दिया नहीं है स्पेशल,
माइनस वन कहा? ऊपर से नीचे वाले, ऊपर से थर्ड वाले, एक दो तीन, यहाँ चेक करूं, ये वाला माइनस में बाहर ले चुका हूँ और डी स्क्वायर डे स्क्वायर बाहर ले लिया है, ठीक है। चलिए ये दोनों डेरिवेटिव, अगर हमें कोई स्पेशल बिंदु दिया गया होता तो उस बिंदु को यहाँ रखते और यहाँ रखते, अब नहीं दिया गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो। अब यही रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालकर फिर टेंजेंट निकाली जाएगी, क्या निकाली जाएगी, क्योंकि डी क्या है, टेंजेंट पर डालेंगे लंब की लंबाई, किस बिंदु से, एक्स कोमा वाई। तो अब पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालता हूं बच्चों में, नाउ अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज क्या है, फॉर्मूला वन प्लस डी वाई बटे डी एक्स लिख दो बच्चों, या बाई वन लिख दो, और होल घात दो इसकी, और होल घात इतना तीन लिख दो, और बटे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखो या बाई वन लिखो, वन प्लस डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू देखो कहा है, यहाँ स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर बटे कितना बाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूंगा बी की घात चार बटे ए की घात चार, और इस टोटल की घात तीन बटे, और इस सेकंड डेरिवेटिव का मान कहा है, ये रह लीजिए इसका स्क्वायर नहीं है तो माइनस बी स्क्वायर बटे ए की घात चार, और ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और बटे क्या बाई की घात तीन। देखिए ये ए की घात चार ऊपर भेज दूं मैं, और ये बी स्क्वायर नीचे, माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक तरह से लंबाई तो ही होती है रेडियस, और रेडियस लेंथ का भी माइनस में होती है, माइनस को छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, पहले सरल कर देते हैं, दो कैसे लिख देंगे, फोर है सही बात है, एक ही घात चार बटे बी स्क्वायर माइनस। अब देखो ध्यान से, एक ये पहुंचेगा ऊपर वाई की घात तीन, यहां से ये पहुंचा दिया मैंने, और ये कहां रह गया, इसके बटे में उल्टा हो गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे समझ में आई, वाई की घात तीन ऊपर, और ये इसके एलसीएम के साथ नीचे रह जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, एलसीएम लिया वाई स्क्वायर ए की घात चार प्लस एक्स स्क्वायर बी की घात चार और बटे वाई स्क्वायर ए की घात चार, और इसकी घात कितना तीन, वीडियो में कट रहा है, कितना कट रहा है बच्चों, परेशान मत हो, ऐसा थोड़ी देर घुमा देंगे, आवाज नहीं आ। नमस्ते, रो इज इक्वल टू, बच्चों सवाल थोड़ा बड़ा है, ए की घात चार वाई की घात तीन बटे यही ना, अब बचे कुछ जो तीन चार इम्पोर्टेंट सवाल है वो सब बड़े हैं। अब देखो इसकी तो घात तीन बटे दो ही करनी पड़ेगी तुम्हें, और यहाँ घात की घात में बड़ा हो जाएगी, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ घात की घात में बड़ा, जब बाई स्क्वायर इस दो की करूंगा दो बटे बाई घात तीन बचेगा, और इस ए की घात कितना हो जाएगा छह हो जाएगा, चार दिए बाहर है तो दो की छह में छह, इस वाई घात तीन से वाई घात तीन कट जाएगा, और ए की घात चार इसके साथ नीचे ए स्क्वायर बचेगा और बी स्क्वायर ये, तो ऊपर बचा मेरे भाई सिर्फ वाई स्क्वायर ए की घात चार प्लस एक्स स्क्वायर बी की घात चार की होल पावर तीन बटे दो, और बटे नीचे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से बच गई, ये कितना है ए स्क्वायर वाई घात चार प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की घात कितना है, ये तो एक है, और ये रो किसमें माइनस में, देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नहीं यहाँ घात चार ही है और यहाँ घात दो है, और माइनस को हटा दो, यहाँ लिख देना लीविंग नेगेटिव साइन, लीविंग नेगेटिव साइन, बस इतना ही लिखना बहुत है। अब इतना फोटो खींच लीजिए पहले, अब करना है मैं टेंजेंट काम पहले, क्योंकि आंसर तो यही है, लेकिन उसने बीच में अटका दी बात पी की,
आंसर पी के रूप में लिख रहा है और पी को बताया टेंजेंट। भैया रेडियस काय में ना पाओगे है ना, हाँ एक मिनट एक मिनट, कहा भाई हाँ ना ऊपर तो दो सही लिखा हुआ है, नीचे चार लिख दिया यार। सुबह सुबह दिमाग कैसे अपसेट हुआ है ना, सब आज बढ़िया तरीका दे आए, आज तो आराम से जगते, कल ना परसों आगे बजाना है या सुनाएंगे भी आए, लेट जगे तो आज हम जल्दी जल्दी उस दिन ऐसा हो तो कोई बात ना, आज गलत आज ऐसा नहीं होना चाहिए। खिंच गया फोटो बच्चों, देखिए देखो डिफरेंशिएशन की वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा इसको, क्योंकि तो टेंजेंट निकालनी है अभी हमें, है ना। एक काम कर रहे हैं, पूरा रफी ना कर रहे हैं, इसने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पूछी है पी के रूप में पूछी है और पी क्या बताया है, ओरिजिन से टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई बताया है। अब हमें टेंजेंट निकालनी है बच्चों, देखो क्या लिखोगे, और कोई स्पेशल बिंदु दिया नहीं है उसने कि टेंजेंट इस पे, बस खाली एक्स को वाई दिया है आपका, तो क्या लिखोगे, नाप, आवाज नहीं नाप, क्या लिखे हम, ग्रेडियंट प्रवर्तन, एम एम क्या होती है, डी वाई बटे डी एक्स होती है, कोई स्पेशल बिंदु दिया नहीं है हमें जो इसमें रख दें, एम आपका यही हो जाएगा जो डी वाई बटे डी एक्स का मान आया एक्स अपॉन वाई। वैसा ये सवाल मैं आपको बच्चों टेंजेंट नॉर्मल में क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक का पहला पार्ट सेम करवा चुका हूँ टेंजेंट करवाई थी, लेकिन वहां और इसमें अंतर ये था कि वहां बिंदु x कोमा वाई दिया था, x1 कोमा वाई बन दिया था, लेकिन वो गलती से दिया था, आंसर जो निकलवाया था उसका x और y पर ही निकलवाया था, तो हमने वो निकाला था x1 y1 पर, इसलिए निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर x1 y1 पे लिखा दूंगा आप तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बिंदु यहाँ x और y ही दिया। तो बच्चों क्या लिखोगे, नाउ अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ नाव कट रही देखो, नाव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको बिंदु एक्स कॉमा वाई दिया है, जब बिंदु एक्स कॉमा वाई दिया है तो अक्ष स्मॉल एक्स और वाई नहीं लोगे एक्स, फिर आप कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स लिखोगे, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है आप लिखते हो y माइनस वाई, देखो बाई वन भी बाई लिख दोगे तुम तो ये तो जीरो हो जाएगा, समीकरण का सॉल्यूशन क्या है, अगर पॉइंट स्मॉल में दे दे x और y तो फिर आप एक्सिस जो लोगे वो कैपिटल, तो आपको क्या लिखना, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैपिटल y माइनस स्मॉल और इज इक्वल टू m कैपिटल x माइनस स्मॉल x, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई और कैपिटल एम माइनस का एक्स अपॉन वाई और अभी और है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल। तो देखो अब हमारा जब वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं तो कोई भी इक्वेशन जो टेंजेंट होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन का जनरल समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सी राइट हैंड में भेज दो इक्वल टू जीरो, इस रूप का होगा। कहने का मतलब ये है एक्स और वाई के टर्म लेफ्ट हैंड में होने चाहिए, अब स्मॉल एक्स और वाई से मतलब नहीं, अब कैपिटल एक्स और वाई से मतलब, स्मॉल एक्स और वाई अब एक्सिस नहीं है, वेरिएबल नहीं है, अब स्मॉल एक्स और वाई कॉन्स्टेंट है, आपके वेरिएबल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, उसको लेफ्ट में लेकर आना है। तो देखिए गलती से भी कैपिटल की जगह स्मॉल ना रह जाए, एलसीएम लीजिए ऐसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्मॉल वाई इंटू कैपिटल वाई और ए स्क्वायर की है, अब इसकी इसमें करेंगे
माइनस ये पाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स कैपिटल एक्स, पहले इस कॉन्स्टेंट को ही खत्म करो कैपिटल एक्स, अब इसकी इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। हमने क्या बताया वेरिएबल टर्म लेफ्ट हैंड में, वेरिएबल इसमें और इसमें, इसको लेफ्ट में लेके आइए एक्स वी स्क्वायर कैपिटल एक्स ए स्क्वायर वाई कैपिटल वाई, अब ये कॉन्स्टेंट है दोनों, अब ये बाई बिंदु था इसको इधर भेजोगे एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई, इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब एक बार देखो ये इतने एक्स्ट्रा टर्म कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये देखो कहीं से एलिमिनेट हो सकता है, कहां से हो सकता है, गिवन इक्वेशन क्या है आपकी, ये रफ काम कर रहा हूँ बच्चों, इतना जो मैं कर रहा हूँ ये रफ वर्क है। गिवन इक्वेशन थी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक, जब आप क्रॉस एक क्या अच्छा हाँ ये इक्वेशन है, मैं वही तो देख रहा हूँ, यहाँ मैं एक्स लिखकर मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो स्क्वायर है, ये एलिमिनेट कैसे होगी, गलत लिख दिया एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और बटे में जो एलसीएम आएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इधर पहुंच जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक तो इसके स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। काफी बड़ा सवाल है बच्चों ये है कुछ नहीं, यहां लिखना है फ्रॉम गिविन या यूजिंग गिविन इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की दी गई इक्वेशन यूज करने का ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो चाहिए आपकी, बी स्क्वायर कट जाएगा यहाँ ए स्क्वायर कट जाएगा, तो अब देखो मुझे इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए जिसका यूज नहीं है उसको मैं रफ करता जा रहा हूं। डिवाइडिंग वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब इधर डिवाइड करूंगा तो ये एक्स इंटू कैपिटल एक्स बटे ए स्क्वायर, यहाँ वाई इंटू कैपिटल वाई बटे बी स्क्वायर और इजिकल टू ए, बस कितना अंतर आया जो पहला सवाल निकाला था उसमें बिंदु मैंने एक्स और वाई लिखा था और वेरिएबल एक्स और वाई थे तो वहां समीकरण था एक्स एक्स वन बटे ए स्क्वायर वाई वाई वन बटे बी स्क्वायर इक्वल टू ए, और यहाँ हमारे ये एक्स और वाई पॉइंट है तो देखो पॉइंट की जगह एक्स और वाई होनी है और वेरिएबल की जगह कैपिटल एक्स वाई वाई सबसे समझ में आया, तो यहाँ वेरिएबल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। अब समीकरण इसको इक्वेशन क्या मान लें अब तक कितनी मानी है एक, इसको मानो आप दो और इसको मानो आप थर्ड। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पी के रूप में है और पी को जो बताया है सेंटर से टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई बताया है, इंग्लिश वालों के लिए बोलूं परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स अपॉन टेंजेंट, समझ में आया ये बोल रहा है आपसे, तो पी लिख रहे आप पी परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर, और बच्चों सेंटर किससे इलिप्स की से, और इलिप्स का सेंटर जो दिया है फोन अंदर रखो जीरो कोमा जीरो, सेंटर इलिप्स की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक, उसका सेंटर जीरो कोमा जीरो होता है जीरो कोमा जीरो से, और किस पर बच्चों टू लिख दो या अपॉन लिख दो टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट ठीक है yes. तो और किस बिंदु पे है एक्स कॉमा वाई पे तो टेंजेंट है, बिंदु ये होता हो गया इससे एक्स कॉमा वाई पर टेंजेंट बिंदु ये, तो आपको अगर याद ना हो तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ रफली, इक्वेशन ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो और बिंदु हमारा एक्स वन कॉमा वाई वन, तो इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई जो होती है पी इज इक्वल टू ए एक्स के स्थान पर पॉइंट रख देते हैं अपना बी वाई के स्थान पर वाई का पॉइंट रख देते हैं प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मॉड में लगा मॉड में से लगाते हैं कि अगर ऊपर नेगेटिव आ गया तो वो खत्म हो जाएगा लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है,
तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। अब देखो ध्यान से, तो आप लंब किस पे डाल रहे हो, इस पे डाल रहे हो, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, यहाँ लिख दो थर्ड। तो क्या करना है, वेरिएबल के स्थान पर ये वेरिएबल पॉइंट रखने, यहाँ वेरिएबल कैपिटल एक्स है, कभी स्मॉल एक्स समझ लो, तो एक्स बटे कितना ए स्क्वायर, और कैपिटल एक्स के स्थान पर जीरो प्लस बाई बटे बी स्क्वायर, और वेरिएबल के स्थान पर जीरो प्लस सी लिखते हैं, सी कॉन्स्टेंट होता है रेखा का, और इस रेखा का कॉन्स्टेंट इधर नहीं होगा तो माइनस सी हो जाएगा, बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है, वेरिएबल का कोफिशियंट, यहाँ वेरिएबल एक्स है, तो इसका कोफिशियंट एक्स अपॉन ए स्क्वायर, इसकी घात दो प्लस बी वाई का कोफिशियंट वाई अपॉन बी स्क्वायर की होल घात दो बन दो, मॉड लगा, मॉड क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये भी जीरो ये भी जीरो, माइनस ए किस माइनस को खत्म करने के लिए, तो मैंने सबका डाल कर दिया, माइनस भी हटा दिया मॉड भी हटा दिया। अब इसको सरल करना है, एक्स स्क्वायर बटे ए की घात चार, वाई स्क्वायर बटे बी की घात चार। आज बच्चों दो सवाल भी नहीं हो पाएंगे, इतने बड़े सवाल है दोनों। वन बटे एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर बी की घात चार प्लस ए की घात चार बाई स्क्वायर, इस पर अंडर रूट ऊपर लगा दिया मैंने, साइलेंट करके आया करो दोनों को, ए की घात चार इंटू बी की घात चार ऊपर पहुंचेगा लेकिन स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट करोगे ए की घात चार बी की घात चार का, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहुंचेगा ऊपर। आगे सब समझ रहे, अब देखो ये इसका यूज आपको यहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पी का रूप ला रहा है, तो देखो पी कैसे आ सकता है आपका यहाँ आंसर में, ये बताओ पी स्क्वायर आ रहा है क्या आ रहा है, ये खाली पी आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, चलो ये पी क्यू बुलाएंगे, और रो है, रो स्क्वायर सिद्ध करवाया है, खाली रो सिद्ध करवाया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी की घात। तो एक काम करिए, मैं पहले इधर से रफ कर रहा हूँ बस इस लाइन को रखते हुए, आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं, देखो क्या एलिमिनेट कर सकते हो, बाई स्क्वायर ए की घात चार, बाई स्क्वायर ए की घात चार प्लस एक्स स्क्वायर बी की घात चार, इसको एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका मान निकाल लो और यहाँ रख दो। अब एक बात बताओ ध्यान से, इसको इधर लोगे एक्स की घात दो, यहाँ लिख रहा हूं मैं एक्स की घात दो और बी की घात चार प्लस ए की घात चार बाई की घात दो, और इजी कर लू ये क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बटे कितना पी। और मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस पे घात में बटे दो लिख रही है ना, लिख रही, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं नहीं, तो इसका मान एक बटे दो का मतलब अंडर रूट है, इसके मान को यहाँ रख दिया, तो यहाँ समझ जाओ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, चलो लिखे दे रहा हूँ इसको भी अंडर रूट घात एक बटे दो इसका मान, और इसको मैं मान ले रहा हूँ कितना, अब तक तीन माना चार, और लिख रहा हूँ फ्रॉम रिलेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ का रिलेशन यूज करने के बाद, तो ये रो इज इक्वल टू इसके स्थान पर कितना है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे कितना टी, और होल घात कितना टी, अभी तो समझाया था मैंने एक बटे दो घात करके, और बटे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बटे कितना इसके नीचे वन, रो इज इक्वल टू ए की घात छ बी की घात छ और बटे कितना बी की घात तीन, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से भी मान निकलेगा अभी ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये कटने के बाद ऊपर कितनी घात रह जाएंगे अगली लाइन में, ए की घात चार और बी की घात चार और बटे पी की घात तीन, और एक बात और बता ना, ये ए स्क्वायर बी बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान, यहाँ मैंने तो मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर समझाया था ना, मिटा दिया है मैंने, तो
तो इसको मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना अगेन यूजिंग इक्वेशन, ये वाली चीज इससे इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके तो आ रही है, अगेन यूजिंग फर्स्ट। अब मैं नीचे से रफ कर रहा हूँ, और बच्चों लॉन्ग के लिए है ये सवाल। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे, बात बंद करो, हैंड्स प्रोब फोटो खींच लीजिए, कैमरा बार फोटो खींच रहे हो अभी, दूसरी बार, तीसरी बार खींचो बच्चे फोटो, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कहना लगा हुआ है, देखो आपस में मत किया करो, जिसको जो कमी दिखाई दे बोला करो, स्वागत है सबका, लेकिन बिना काम के बोलोगे तो डंडा बजेगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 हो गया, उम्मीद करता हूँ बड़ा था लेकिन समझ में आ गया, आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये और ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरठ में लाइन लगी हुई है, 2001 में 3 में 4 में 6 में 11 में, इतना तो यहाँ लिखा हुआ है और भी आया है। दीप से लगता है इंतजार हो गया, बड़े बड़े सवाल मिले तुम्हें आज। अरे भाई बिना पिटे मान जाओगे नहीं, देखो और ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना ये जो सवाल है 6, 7, 8, 9, 1, 10वां भी कर लो शामिल, और 2 एग्जाम बिल में निशान लगाए हैं आपके इस अभ्यास में, इनमें से सारे की संभावना जरूर है। 9वां सवाल क्या कह रहा भाई, इफ रो एंड रोड है सी द रेडी, बस थोड़ी सी स्टार्टिंग समझ नहीं है तो मैं फिर ऐसे ही करूंगा मैं पूरा इस सवाल को स्टूडी। इफ रो एंड रोड है सी द रेडी, रेडी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, एट द एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज क्या कहा है शीर्षों पर, एक्सट्रीमिटी कहते हैं शीर्षों को, एंड भी शीर्षों को कहते हैं, ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर, दो संयुग्मी व्यास, हिंदी वाले कॉन्जुगेट संयुग्मी डायमीटर व्यास, दो संयुग्मी व्यास के सिरों पर, ऑफ एन इलिप्स की इलिप्स पर, प्रूव करना है इतना, मतलब संयुग्मी व्यास के एक सिरे पर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है और दूसरे सिरे पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रोड है, तब आपको इतना सिद्ध करना है। और इक्वेशन किसकी हो रही है, इलिप्स की, बच्चों एक तो होता व्यास आप जानते ही हो, और कॉन्जुगेट डायमीटर कॉन्जुगेट व्यास कौन सा होता है, संयुग्म व्यास, जिनके बीच एंगल 90 डिग्री होता है, जो सिंपल व्यास डायमीटर होता है उसके किसी बिंदु पर बना हुआ एंगल 180 होता है बीच में, अगर उसको डिवाइड करेगा ये ग्रे का विषय, लेकिन कॉन्जुगेट डायमीटर के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, चित्र बनाकर समझा रहा हूँ अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहले लिखो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, एक इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, अब आप एग्जाम्पल भी कर लोगे, एक सवाल एग्जाम्पल ऐसा ही है कॉन्जुगेट डायमीटर का ही, और इसमें आपको कुछ मानना होगा, लेट ए बड़ा है बी से, ए बड़ा मान लो बी से या बी बड़ा मान लो, वो आपकी मर्जी, चित्र बनाइए, जो कॉन्जुगेट डायमीटर होता है बच्चों सेंटर से होकर उसके दोनों पार्ट निकलते हैं और इस तरीके से बनता है, इस तरीके या तो इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा, और जो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री वो ये होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, 45 ये होता है और 45 ये होता है, जब जाकर दोनों तरफ का एंगल कितना 90 डिग्री, तो हम एक ही तरफ का यूज करेंगे, दोनों तरफ का यूज नहीं करेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो पार्ट है एक्स अक्ष के साथ कोई ना कोई कोण तो बनाएगा, ये वाला पार्ट एक्स अक्ष के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बनाता है, उसको वेक्टोरियल एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं वेक्टोरियल एंगल, तो उसको कुछ मान लो आप, टी मान लो, थीटा मान लो, फाई मान लो, जो मानना वो मान लो, आइए हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है
तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री है पाई। तो अब इसको ए मानो, क्या मानो? ए। तो इसका वेक्टोरियल एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। तो इसको अगर मैं बी मानू तो इसका वेक्टोरियल एंगल क्या हो गया आपका? पाई बटे 2 प्लस थीटा। कोई प्रॉब्लम? समझो अब हमें ईलिप्स पर कोई बिंदु की जरूरत चाहिए भाई, क्योंकि उसने कहा है एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर के शीर्षों पर, एक पर रेडियस कर्वेचर रो, एक पर रो। तो वो आखिर बिंदु होगा क्या पूरा? मतलब जब ये थीटा है तो पोलर फॉर्म में बिंदु लेना पड़ेगा। yes. और पोलर फॉर्म में जो बिंदु होता है आप जानते हो, ए एंगल क्या है? थीटा। तो ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो ए का तो निर्देशांक कितना होगा? और मेरे बच्चों बी का जो पॉइंट होगा बट थीटा ही तो चेंज होगा, और कुछ चेंज तो ना होगा। तो क्या चेंज? बी क्या हो जाएगा? ए कॉस पाई बटे 2 प्लस थीटा, चित्र बनाना है ये, और बी साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुननी है आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पर भी निकालनी है, इस पर भी निकालनी है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो और इसकी रो है, क्या दो बार निकालोगे? नहीं, एक ही बार निकालने। क्यों? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी आए उसी में थीटा को रिप्लेस कर दोगे पाई के 2 प्लस थीटा से, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। समझ में आया? तो ये मैंने चित्र बना दिया। अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और वो क्या लिख रहा हूँ? यहाँ बस पॉइंट लिख दो और कुछ मत लिखो, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। और जो बी है आपका वो ए कॉस पाई बटे 2 प्लस थीटा। देखो अब तुम ये कहो कि सर जी हम तो फॉर्मूला लगा देंगे 90 प्लस थीटा का। बहुत बढ़िया बच्चों, लगा सकते हो। कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, और ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन फिर सवाल दोबारा से तैयार हो जाएगा, ऐसे ही आपको सवाल पूरा करना है शुरू से। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पर निकालेंगे और बस थीटा को रिप्लेस कर देंगे पाई बटे 2 प्लस थीटा से, आपका रूट है सेकंड पॉइंट पर आ जाएगी। तरीका पुराना है बच्चों, मैं कुछ पिछले सवाल की भी हेल्प लूंगा, क्योंकि पिछला सवाल सेम यही तो था, डी वाई बटे डी एक्स सेम निकाला था ना मैंने। तो देखिए, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप स्वयं लिखोगे डी वाई बटे डी एक्स। जरा देख के बताओ मुझे क्या है पिछले सवाल में? फोटो एक बोलो भाई, माइनस एक्स वी स्क्वायर। अच्छा ऐसा बोल रहे हो, x इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय इंटू बाय। चलो अब आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकाला होगा आपने, किसी का एक बालक कोई बोलो, अभी रुक जाओ। एंड आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आपको निकालना है ये, है ना? क्योंकि हमने तो सवाल अभी अभी निकाला है। सेकंड डेरिवेटिव बोलो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 ब्रैकेट, हाँ, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 3। वाई पावर 3, और भी घात कुछ हुआ नहीं बच्चों? वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकाल के रख दो, कितना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, यहाँ से कैलकुलेशन से जब सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ इसको पूरा सॉल्व करके बताओ मुझे, ए स्क्वायर इंटू कितना? उसका मान लो। अब देखो ये माइनस बी की घात 4 और बटे ए स्क्वायर और इंटू वाई घात 3। लेकिन हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू निकालनी है, एक्सट्रीमिटीज। अच्छा क्यों लिख दिया मैंने? तो आप ए बिंदु पर निकालोगे। नाउ एट ए, अब जो काम कर रहा हूं मैं वो किस बिंदु पर कर रहा हूँ? ए पर। ज्यादा करो तो लिख सकते हो एक्सट्रीमिटीज ए, किसका एक्सट्रीमिटीज? कॉन्जुगेट डायमीटर, इतना लिख सकते हो। अब सबसे पहले आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो ए है क्या बच्चों? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ये आपका dy बटे dx को by 1 लिख दिया मैंने। चलो की बात, तो इसमें रखो अपना बिंदु माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है?
ए कॉस थीटा, और ये पाई की वैल्यू बी साइन थीटा। देखो कुछ कट रहा है, कट रहा है, माइनस बी बटे ए और कॉस बटे साइन कॉट थीटा, ये बाई वन हो गया। अब बाई टू निकालो आप, यहां के बाद ही तो ना दिखता, बाई टू, बाई टू कहां, ये रहा माइनस बी स्क्वायर बटे ए की घात, अच्छा नीचे वाला है, माइनस बी की घात चार बटे ए की घात दो, और ये बाई की घात तीन, और बाई की घात तीन, बाई का मान क्या है आपका बी साइन थीटा, इसकी घात कर दोगे तीन, भाई आवाज नहीं, बी की घात तीन साइन की घात तीन थीटा, कुछ कुछ घटा, ऊपर माइनस बी बचा और नीचे ए स्क्वायर और ये साइन की घात तीन थीटा, ये आपका बाई टू का मान हो गया। अब बाई वन और बाई टू के मान अपने फॉर्मूले में रखें। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट किस बिंदु पे काम कर रहे हैं, ए पे काम किया हमने, ए पे, तो फॉर्मूला रो जी कर दी, रो ही तो माना है इसका, वन प्लस वाई वन की घात दो की होल घात तीन बटे दो बटे बाई टू, वन प्लस वाई वन स्क्वायर, वाई वन कहाँ है, ये रख, इसका स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये कॉट स्क्वायर थीटा की होल पावर कितना तीन बटे, और बटे बाई टू कहाँ है, ये रख, इसका स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना, माइनस वी अपॉन ए, और ये देखना माइनस वी अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा तीन, टाइम कितना है अभी देखना, पांच मिनट, बारह बच्चे हमारे ये देखो, तो अब इसका एलसीएम वगैरह लेके सरल कीजिए, मैं थोड़ा डायरेक्ट सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉट को लिख सकते हैं कॉस उल्टे साइन, तो क्या जाएगा नीचे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, एलसीएम लेके इसके साथ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ क्या रह जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसमें घर तीन बटे दो अलग लगा दे रहा, और नीचे क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसमें घर अलग लगा रहा हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की घर कितना तीन बटे दो है, और बच्चों इसको मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ ए स्क्वायर साइन की घर तीन थीटा, और ये माइनस बी, और बच्चों माइनस को खत्म कर दे रहा हूँ क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव नहीं होती, लेकिन लिखना पड़ेगा लीविंग नेगेटिव साइन, एक संग कैसे कर दो, तुम तो यहाँ देख रहे हो, मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ, अब लिखने के बाद देखूंगा तभी तो करूंगा, तो बैठ रहे हो, बैठ कर देख रहे हो बस, कहाँ कहाँ करना, फोटो खींचे जिसको खींचना है, पेज नंबर कितना चार, हो गया, अब देखो चित्र मिटा दूं, तो कुछ नहीं करना इस चित्र का, इसको अब देखो क्या करना है आपको, दो से दो कटी, एक ही घात कितना बचेगा तीन बचेगा, ये ए स्क्वायर तो नीचे ए रह जाएगा, दो से दो कटने के बाद साइन की घात तीन रह जाएगा, ये पूरा साइन की घात तीन कट जाएगा, तो नीचे यहाँ से ए बचा और यहाँ से डी बचा और ऊपर से वो कटा, तो देखो क्या हो गया, मैंने इसको लिख रहा हूँ वन बटे ए बी, ये हो गया नीचे वन बटे ए बी, ये खत्म हो गया आपका, और ये बचा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होल घात तीन बटे दो, अब ध्यान से सुन लो जल्दी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ए पर, क्या लिखोगे, बट एट बी, बी पर थीटा रिड्यूस किसमें हो रहा है पाई और टू प्लस थीटा में, और रो रिड्यूस किसमें हो रही है, सो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये टाइम की वजह से लिख दिया मैंने इस तरीके से, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखोगे बट एट बी
गिवन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर रो एस, एंड थीटा कितना आपने देखा था 500 प्लस थीटा, सो है ना, सो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी, बी पे रो एस इज इक्वल टू 1/ av a स्क्वायर sin स्क्वायर 502 प्लस थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 502 प्लस थीटा और होल पावर बच्चों कितने 3/2 1/ av a स्क्वायर sin 90 प्लस थीटा cos थीटा उनका स्क्वायर लग रहा है cos स्क्वायर थीटा कर दो, ये b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कर दो होल का 3/2। अब आपको कुछ सिद्ध करना है, कहाँ माइनस अरे स्क्वायर ना लगा हुआ स्क्वायर से मतलब कर दिया डायरेक्ट मैंने, तो अब रो रोड सोलो हो गए। अब आपको सिद्ध जो करना है उसको देखो, उसका लिख दो रो की घात 2/3 प्लस रोड एस की घात 2/3, ये सिद्ध करना है। तो बच्चों एक काम और कर लो, अब आप यही से हो सकता है क्या थोड़ा बहुत करें, दो की घात 2/3 है तो यही पहले एक लाइन बढ़ाओ होल घात 2/3 कर दो, तो रो की घात कितना 2/3 इज इक्वल टू 1/ एवी की घात कितना 2/3, और यहाँ 2/3 करोगे तो ये खत्म ही हो जाएगा, बस इतना बचेगा ठीक है जी। और यही काम यहाँ कर दो, रोड एस की घात कितना 2/3 1/ एबी की घात 2/3 और ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इसको और इसको ऐड करो, इसको कुछ मानो, क्या माने, कुछ नहीं माना इसमें, एक मान लो और इसको दो मान लो, और ये इसको रफ कर रहा हूं बच्चों आप तो ये हो गया रो की घात 2/3 और नीचे से हो गया रोड एस की घात 2/3। अब ध्यान से वो हम किसको ऐड कर रहे हैं, इसे और इसे, दोनों में ये सेम है या नहीं, ये सेम नहीं है पूरी तरीके से, तो जो सेम है उसको ले लो कॉमन, ए वी की घात 2/3। थोड़ा एक लाइन बच्चों चूंकि टाइम कम है खत्म हो गया, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, इन दोनों ने ऐड करोगे तो कह आया हूँ जब है ए वाले एक साथ ए स्क्वायर आएगा कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर लेकर ए स्क्वायर, ऐसे ही जब बी वाले कॉमन लोगे तो यहाँ भी बी स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे भाई बहन इस चीज को इधर भेज रहे शॉर्ट में किया है सर, बहुत जल्दी।